उन टाइम पर बोला गया कार्य और अन्य टाइम पर किया हुआ कार्य में बहुत अंतर आता है और जल्दी से कार्य सिद्ध होते। अभी जो है हमारे यहाँ लिखा है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 16 कार उपचार कहा जाता है। औवानम स्थानम सन्निधिकरणम तथा अर्धनाम च पाद्यम गंधा च तथा दीप धूपस्य चमृत फलम स्वस्ति भागम च षोडश उपचारम। विश्वेश्वर विष्णु धरणेन्द्र तथा प्रभा श्री देवता विज्ञा च ग्रह देवता अयोध्यादि महाग्राम वसनी पुण्य देवता जिनेन्द्र जननी चाप्य विश्वेश्वरी माता। जो है श्री रिधि कीर्ति आदि अनेकों देवी देवता जो है जिनके जो है क्या कहते आचार्य विश्व से साध्यम कुल निकेतम और धरणेन्द्र च पूजा पुण्य पुत्र संभवता। धरणेन्द्र आदि की पूजा अर्चना से पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। ऐसे जो है अनेकों ने आपके जो ग्रुप है उसके अंदर डाला हुआ है, आप देख लीजिए आपके नमोलवे सवसान नवरराती ग्रुप 2 2003 के अंदर सारे जो देवी देवताओं का शास्त्रों में क्या क्या उल्लेख है उसका सारा डिटेल आपको दिया है, वहां देख लीजिए। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं माँ देवी की अद्भुत अलौकिक कृपा और बरसती है, नवग्रहों का अनुग्रह होता है, नवग्रह देवताओं का विशेष नवरात्रियों में विशेष उन उन देवताओं को धान्य अर्पण, नवग्रह के लिए धान्य अर्पण एक एक जो है धान्य अर्पण आदि होता है और नव देवताओं के लिए विशेष जो है अनुष्ठान होता है और पद्मावती के विशेष 16 कार उपचार होता है। वो एक ही दिन ऐसा होता है एक ही जगह स्थापित होती है, पर नवरात्रि में जो शक्ति दायिनी है आराध्य दाय आप सभी के लिए मनोरथ पूर्ण करने वाले देवी का नवरात्रि में मात्र जो है अलग जगह स्थापना किया जाता है। इस बार जहाँ नवरात्रि के हवन कुंड है वो महान महादेवी स्थापित होगी और जो मूल निवासिनी है वो देवी यहाँ हमारे रहती है, वो कहीं हटाते नहीं क्योंकि उसकी अद्भुत शक्ति वही है कि एक जगह स्थापित हो गई। तो इसकी जो है आप सभी को कई जो मेरे से परिचित है चिर परिचित है केवल कल्पना मात्र से केवल आके जा करके मात्र से कार्य की सिद्धि हो जाती है। कल ही किसी को एक आदमी आया था, उसके जीवन में कुछ दुर्घटनाएं घट रही थी, मात्र आकर के देवी को 2 नारियल अर्पण करके चला गया और जो है उसके कार्य जो है सिद्ध हो गया। वो ये नाम याद नहीं आ रहा है, बस शाम तक मैं बता दूंगा कौन है। हाँ तो कहने का तात्पर्य ये, ऐसे तो आए दिन घटनाएं घटती रहती है, आए दिन घटनाएं घटनी रहती है, आए दिन जो है कार्य सिद्ध होते रहते हैं। ऐसी चमत्कारी देवी को नवरात्रि के अंदर जो है विशेष हम लोग जो है षोडोपसार पूजा देवी को हम 24 भुजा के स्वरूप का विशेष डेली नित्य अर्चना करते हैं संध्या के टाइम पर। ऐसे कौन महान भाव होगा जो देवी के 16 उपचार पूजा के भाग लेगा। 9 ही दिन रहता है वो, 10 10 दिन रहता है, 10 दिन दशहरा तक विशेष होता है। और हमारे कर्नाटक के अंदर जो मैसूर के अंदर चामुंडेश्वरी की पूजा होती है और दशहरा महोत्सव, देखिए आपको भारत धर्म में इतना महोत्सव बड़ा नहीं होता है। और जो कहने का तात्पर्य है दशहरे के दिन विशेष अर्चना होती है। अब इसकी हम चाहे तो लाखों की बोली लगाते हैं परंतु बोलियां बंद कर दिया मैंने, कम से कम कितने ही दिन हो साल हो गए मेरे बोली में इंटरेस्ट नहीं होता है। कंपटीशन कराना धर्म में कंपटीशन करा करके एक दूसरे को भावनाओं को उत्तेजना करा करके दान को उगालना मेरे हिसाब से एक प्रकार की अपराध होता है। मैंने कई कई हजारों कार्यक्रम करे और लाखों करोड़ों की बोली लगाई परंतु लगता आपका बाद में मैंने क्या निष्कर्ष पहुंचा कि बोली लगा करके उसको उंगली करो इसको उंगली करो इसको उठाओ ऐसे कर करके जो है कंपटीशन लगा करके ये प्रकार की होती। इसलिए मैंने पूरा एक फिक्स कर देते हैं इतना खर्चा है और इतना चाहिए और मिल जाता है और लोग कर लेते हैं और अपना भी काम हो जाता है और आपके कार्य भी शुद्ध हो जाते हैं। तो ये नवरात्रियों के अंदर 16 उपचार अर्चनाएं होती है और 16 प्रकार की दिव्य जो है अलग अलग अर्चनाएं होती है, 16 प्रकार के
अनेकों अनुष्ठान होते हैं, वो 16 प्रकार के अनुष्ठान में पता, दर्पण, कलश, तिलक और वस्त्र, पकवान, चना, इक्षुदंड, द्रव्य, अमृत द्रव्य और इसी प्रकार पाद्य, जल और अष्ट द्रव्य, इस प्रकार की जो है यह देवियों को अर्पण किया जाता है। और 16 श्रृंगार भी अर्पण किया जाता है, जहाँ साड़ी है, चोला है, और जहाँ साड़ी और जो ओढ़नी है देवी के लिए जो अर्पण करता है उसके भाग्य और सौभाग्य बदल देता है, महिलाओं के जीवन में आरोग्य और सौभाग्य का वर प्राप्त होता है, और अनेक पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति, दरिद्रता को धन की प्राप्ति, और संकट में फंसे मानव को जो है उपसर्ग निवारण की शक्ति, और जीवन के अंदर अर्थहीन व्यक्ति को अर्थ बल प्रदान करने की शक्ति जो है यह प्राप्त होता है, सारा बच्चों को विद्या की प्राप्ति ऐसे इससे इस अलंकार से प्राप्त होता है। और सदियों से जितने भी कर्नाटक के मंदिर है महाराष्ट्र के अंदर सभी जगह जो है यह विचार अर्चनाएं अलग अलग अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार होता है, और वह पूजा अर्चना और उसके बाद अनेक प्रकार की गरबा है, नृत्य है, भक्ति है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और आइए आप कौन किस पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन हमें आदमी किस परिवार की तरफ से देवी को अर्चना करना है, आप मान लीजिए, लिख लीजिए। केवल केवल यह जो है 24 भुजा के 24 मेवाए अर्पण करेंगे, 24 मेवाए, 24 प्रकार के मिठाई अर्पण होगा। अभी पहले ना रुपए नहीं, पहले हाथ कर लीजिए, कोई चिंता नहीं, रेट तो समझ लो, उनको कोई बात नहीं, जो हमारे नितिन जी को कुछ भी बोलो, गुरु आज्ञा प्रमाण है, बहुत सुंदर जो भी बोल देते। अभी जो है एक दिन का जो है अलंकार अपने को कम से कम 14 पड़ता है, पर आम आदमी को प्राप्त हो, वो बलवान बने, इसलिए 2 आदमी की जरूरत है। 7000 रुपए रखा है, 7000 रुपए एक दिन का, 14000 तो 14 हो जाएंगे, पर बहुत सारे लोगों को प्राप्त हो ऐसी अपेक्षा है। जिन जिन का भी चाहिए तुरंत हैंडराज करिए, जल्दी जल्दी से हैंडराज करिए, और आप सभी को उसका लाभ। बस 3 लोग रह गए 9 दिन के लिए, 9 आइए जल्दी से हैंडराज करिए। पहला नाम नितिन रूपाली जी, नितिन गांधी, दूसरा दिन जो है मिलन दीपक कोटड़िया, नाम बोलिए, बोलते जाइए ना, उनको दिखाते यार। हाँ, नमस्ते महाराज जी, रूपाली नितिन कुमार गांधी नाते पुते, मीनल दीपक कोटड़िया मुंबई, उज्ज्वला वाड़कर, आगम पद्माली अमित पुणे, डॉक्टर निकिता साहूजी औरंगाबाद, रोहिणी मुकेश जैन अंबर, कनक पाटनी, अरुण दोषी इंडापुर, इनका नाम नहीं लिखा हुआ है महाराज जी, आईफोन लिखा हुआ है। अम्मा जी नाम नहीं, उसको माइक खोल दो ना, अब अम्मा को माइक खोलना आता है, यहीं से खोल दो भाई, खोल दिया उनको, बोलिए नाम कहां से रहते, कहां से अम्मा, सुनाई देता नहीं देता, हमको भी नहीं सुनाई दे रहा उसको, कोई परिवार वाले कोई है तो देख लो जी नाम, वो कोई पहचानता है तो उनका नाम भेज दीजिए, ठीक है। और एक 10वां दिन लास्ट दिन का एक बाकी है, मानसी अग्रवाल, कौन, 10वां दिन, बहुत सुंदर, आइए 9 दिन के 9, अब लोग अपने नाम, अब एक ग्रुप है ना, उस ग्रुप में जो है भेज दीजिए। अजी मुंबई की, वो जो अम्मा मुंबई की है, परंतु उसका कोई डिटेल नहीं है, वो कि जो भी परिवार वाले वो संपर्क करें, जरूर जो है उनको लाभ दे, और उसको नवग्रह कमेटी में नंबर दे रहे हैं 9019551220, इस नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें, वो संपर्क करके अपनी जो भी बुकिंग कर लीजिए, वो पता नहीं पड़ता है बाद में दिक्कत आ जाए। और कौन कौन कितने कितने का करना चाहते हैं वो अपने नाम लिखवा दीजिए। आइए अभी जो है हमारे यहाँ 9 दिन के 9 प्रकार के अनुष्ठान हैं। सबसे पहले महामंत्र का महायज्ञ होगा, और महायज्ञ जो है आप सभी के लिए कल्याणकारी होगा, नमोकार मंत्र महायज्ञ। दूसरा दिन जो है मृत्युंजय महायज्ञ, तीसरा दिन ऋषि मंडल, चौथा दिन भक्तांबर, पांचवा दिन वास्तु दोष निवारण महायज्ञ, और जो है शुक्रवार 20 अक्टूबर को पद्मावती महायज्ञ,
और उसी 21 को नवग्रह दोष निवारण महायज्ञ और आपके जीवन में ज्ञान और सुख को शाह और आपकी अमोघ शक्ति को प्रदान करने वाली महा सरस्वती यज्ञ और दूसरा जो लास्ट जो दिन है महाशक्ति महायज्ञ, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। यह यज्ञ जो है बीजाक्षर का यज्ञ है, जितने भी शक्तिदायिनी बीज है, बिना बीज के कोई पूजा नहीं हो सकता है, बिना बीज के प्रतिमा प्रतिमा नहीं बन सकती है। एक जो है पत्थर जो है अगर वह अगर प्रतिमा अगर तीर्थंकर रूप लेती है तो वो बीजाक्षर से लेती है। और इसी प्रकार एक साधु जो है एक दिगंबर वस्त्र धारण दिगंबर अवस्था धारण करने के बाद वस्त्र त्यागने के बाद एक परमेष्ठी स्वरूप अगर पद में स्थापित होता है वो बीजाक्षर से होता है। इसी प्रकार जो है जो एक अनेकों प्रकार के शक्तियां है मंत्र है वो सारे बीज के स्वरूप रहते हैं और कुछ बीज ऐसे है जो महाशक्ति स्वरूप है महाशक्ति माना है जो उसके बिना ना कोई अर्चना होती है ना कोई पूजा होता है ना कोई आराधना होता है ना कोई जाप्य होता है वह सभी जो है उस बीजाक्षर से निहित ही होता है। और कौन सा बीज? पांच बीज है, पांच बीज माना है और पांच बीज के साथ जो है और जितने भी हवन है जितने भी हवन है जितने भी आराधना है वो बीजाक्षर हर जगह कहीं ना कहीं आपको उपलब्ध होते ही। वह जो है बीजाक्षर महाशक्ति के रूप में माना है महाशक्ति रूप में माना है और उस बीजाक्षर को वो पानी की तरह है एक ग्लास की तरह है और ग्लास की तरह होने के कारण ग्लास के जैसा ग्लास रहता है काला हो तो काला पानी बन जा काला रूप दिखने लग जाता है पानी नीला तो नीला वैसे ये बीजाक्षर जिस रूप में आप ये करो क्या बोलते हैं आह्वान करो जाप्य करो वैसे रूप बन जाते हैं इसलिए इसको महाशक्ति रूप में मंत्र शास्त्र के अंदर कहा है। और आपको एक एक दिव्य दर्शन करा दूं पहले सबसे पहले आइए नवग्रह तीर्थ में जो हवन कुंड बने हैं आपको देखने के मात्र से भी आनंदित और नेत्र जो है पवित्र हो जाएंगे आपके जीवन में एक शक्ति का संचार होगा केवल हवन कुंड के देखने के मात्र से। यह हवन कुंड जो है यार हो तो सॉरी यह हवन कुंड छोटे मोटे हवन कुंड नहीं है एक विशाल हवन कुंड है एक साथ जो है अगर डालो तो लकड़ियों का ढेर लगाना पड़ता है और जो है एक बार अग्नि प्रज्वल हो जाए 24 घंटा बुझती नहीं है 12 घंटा बुझती नहीं है। और इसके अलावा ये अग्नि कुंड में ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जैसे जैसे ही जो है हवन का टाइम हो जाता है खुद जो है खुद कोई कोई भी वहां सीसी कैमरा लगा दो खुद ही प्रकट हो जाते हैं खुद ही अग्नि टाइम पर। कई लोगों ने देखा है पिछले बार जो है नितिन पोपटलाल गांधी जो बहुत सारे लोग थे शनि ग्रह एक दिन एक एक दिन अपना खुद खुद प्रकट हो जाते हैं यहाँ कोई प्रकट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे अद्भुत अलौकिक कुंड है नवग्रह कुंड जो है बहुत महत्वपूर्ण के है। देखिए ये नवग्रह के कुंड बने हैं ये रा सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु नवग्रह के नव कुंड है ये अलग अलग कुंड है। हाँ ये अलग अलग कुंडों की महिमा अद्भुत है आपको केवल आप दर्शन कर लीजिए और उसके अंदर जो है दिव्य शक्ति यंत्र बना हुआ रहता है कितने सुंदर जो है उसके अंदर ये एक यंत्र है जो हवन का यंत्र इस यंत्र के माध्यम से जो है देवी देवताओं की आहुति पहुंचती है। यह अनेकों प्रकार के कुंड ये मंगल ग्रह का कुंड है मंगल ग्रह का कुंड लाल रंग का लाल वर्ण सब उसी प्रकार जो है उसके अंदर किया हुआ है और दिव्य यंत्रों से संयुक्त मंत्रों से युक्त और जीवन के अंदर मंगल ग्रह का कुंड है ये बुध ग्रह का कुंड है और अलग अलग ग्रहों के अलग अलग कुंड है
ये नवरात्रि के नव प्रकार के नवग्रह के कुंड है बंधु, जो पूर्ण से सुसज्जित हो चुके हैं आपके जीवन के लिए। यह केतु ग्रह का कुंड है। केतु ग्रह जो है आपके जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के रोग शोक भय और उपद्रव, घरों के अंदर बीमारियां को नाश करने वाले नागेंद्र से युक्त, नाग से युक्त यह जो है कुंड है और विशेष प्रकार से बना हुआ है। ये भारत के अंदर अनेक संशोधन के द्वारा, अनेक खोज के द्वारा ये कुंडों का एक हम लोग एक ही है और बहुत एक एक कुंड बनाने में ही कम से कम 50,000 रुपए खर्चा आ जाते हैं बंधु। ये कुंड बनना इतना इजी नहीं है। कलाकारों के द्वारा यह कुंडों का निर्माण किया है। ऐसे कुंडों में आपकी द्वारा आहुति, आपके द्वारा अनुष्ठान करना ही आप सभी के लिए भाग्य और सौभाग्य का कारक बनता है। तो आप जरूर जो है इसे ऐसे अनुष्ठान में आप जरूर भाग ले और भाग ले करके अपने जीवन को सार्थक करें और नाना प्रकार के जो उपद्रव है वो जो है यह दूर करें, ऐसी हम भावना भाते हैं। और क्लोज में दिखाए एक एक धीरे धीरे दिखाते जाए आइए। तो ऐसे नव ग्रह के नव कुंड आपको दिखाया और एक चतुर इसी प्रकार जो है तीन कुंड भी बने हुए हैं। अलग अलग प्रकार की कुंडों का निर्माण, जो केवली कुंड है, गणधर कुंड है और इसी प्रकार जो है तीर्थंकर कुंड है। इस प्रकार के नवग्रह के तीन प्रकार के जो सामान्य रूप से देखे जाते हैं वो कुंड में निर्माण हुआ। कुंडों का कुंडों की आप सभी ने देखा है। और आइए अब जो है महाशक्ति की बात करें। यह महाशक्ति बीजाक्षर से बना हुआ है। तो सबसे पहले महाशक्ति का पहला बीजाक्षर है ओम। यह पल्लव है, इसके बिना कोई भी पूजा पाठ आराधना जप होता ही नहीं। ओम पहला बीजाक्षर। दूसरा है रीम। यह रीम जो है वो रीम आप यह जो है रीम ये त्रिलोक शक्ति माना है। इस बीजाक्षर के अंदर त्रिलोक शक्ति माना है, तीन लोक की जो शक्ति है इसके अंदर निहित है। अगर ये बीजाक्षर भी आप जाप कर लो ना, ये केवल बीजा एक अक्षरी मंत्र बनता है, ये भी आपको सिद्ध हो जाए तो दुनिया के अंदर तेलका मचा